सभी लोगों को नमस्कार। मैं प्रोफेसर जेडी रावत, विभागाध्यक्ष पीडियाट्रिक सर्जरी, आप लोगों से बात कर रहा हूं। आज हमारे विभाग का 26वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर हमारे यहां जो है एक सीएमई की गई है, जिसमें बच्चों में पैखाने का रास्ता नहीं होता है, उससे संबंधित हर तरह की जानकारी जो है विशेषज्ञों द्वारा दी जा रही है, और अत्याधुनिक उसका क्या इलाज है उस पर भी चर्चा हो रही है। साथ में हमारा एक ओरेशन है, बहुत प्रेस्टिजियस ओरेशन है, अशोपा टंडन ओरेशन है, जिसको देने के लिए डॉक्टर आशीष मिनोचा साहब जो नॉर्विच यूके के हैं वो आए हुए हैं। तो इस तरह ये कार्यक्रम चल रहा है। और विभाग में हमारे जहाँ तक सुविधाओं की बात है, तो हमारा विभाग 24x7 24 आवर सर्विसेज देता है। साथ में हमारी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे की ओपीडी चलती है, जहाँ पर हर तरह के विकृतियों से पैदा बच्चों का इलाज होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज पेडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट का मेडिकल कॉलेज में 26वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, बहुत ही दिव्य और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, और मेन मोटिव की अगर हम बात करें इस कार्यक्रम को लेकर के, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले रेडियो गूंज के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज 26वां फाउंडेशन डे मना रहे हैं हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी, किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ का। इसमें जो आज का व्याख्यान है वो बेसिकली फोकस करता है एनोरेक्टल मैलफॉर्मेशंस, ऐसी बीमारियाँ जिसमें जन्मजात विकृति से ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनके पैखाने का रास्ता नहीं बना होता है। क्योंकि ये डिपार्टमेंट 26 साल पुराना है, और उससे पहले सर्जरी डिपार्टमेंट में विलय हुआ था, इस डिपार्टमेंट का उससे अलग हुआ था ये, तो तब से कई चीज़ें चेंज हो चुकी हैं इस बीमारी को डेवलपमेंट में, इस बीमारी की मैनेजमेंट में, और हर तरह के प्रोटोकॉल्स चेंज हो गए हैं। तो देश विदेश से हम लोगों ने ऐसे लोगों को एकत्रित किया है जो इसके मास्टर्स हैं, स्पेशली PGI से, दिल्ली एम्स से, लेजी PGI लखनऊ से, और PGI चंडीगढ़ से हैं, और प्लस हमारे यहाँ के जो एक्सट्रीम फैकल्टीज हैं वो अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे हैं। और जिससे जो नई जनरेशन है और बाकी लोग जो नॉर्मल जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं या और जो हमारे और डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, उनको एक जानकारी प्राप्त होगी कि उनके आसपास लखनऊ जैसे ज़िले में KGMC में वर्ल्ड क्लास टॉप ऑफ नॉच काम हो रहा है, और ऐसे बच्चे खासकर जो माता पिता हैं जिनके साथ इस प्रकार के बच्चे पैदा होते हैं, तो उनको कभी भी हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग हमेशा उनके साथ कदम दर कदम खड़े हुए हैं। ऐसे लोग हम लोग से संपर्क कर सकते हैं। सारी प्रकार की सुविधाएँ, नियोनेट जो बच्चा पैदा होता है उसके जो पैखाने का रास्ता नहीं है, उसके आगे की स्टेज सर्जरीज और उसके बावल मैनेजमेंट, सारी सुविधाएं आपके किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी में उपलब्ध हैं। सर, अगर मेडिकल कॉलेज में लोग आना चाहते हैं, तो जैसे पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट है, उसकी OPD वगैरह कहाँ लगती है, थोड़ा सा अगर यहाँ कोई ट्रीटमेंट कराना चाहता है तो उसको एक संक्षिप्त जानकारी आप दे दीजिए। जी, पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट 24/7 वर्क करता है। एमरजेंसीज हमारी 24 घंटा सातों दिन निरंतर चलती रहती हैं। OPDs सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन होती है, प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक। तो इन समय पे आकर के अगर इलेक्टिव है तो नॉर्मल OPD में दिखा सकते हैं, और एमरजेंसी है तो 24/7 किसी भी समय हमसे संपर्क करके डिपार्टमेंट में आकर के मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज इस कार्यक्रम में आए हुए हैं PGI चंडीगढ़ से रवि कन्नौजिया सर, डॉक्टर रवि कन्नौजिया जी। सर, आज हम सभी पेडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट का 26वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, और आप यहाँ के फर्स्ट एलुमिनाई भी रहे हैं, यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के? मेरा ये मानना है कि ये जो कार्यक्रम है, जो लगभग हर साल ये फाउंडेशन डे के रूप में मनाया जाता है, ये एक हमारे पीडियाट्रिक सर्जन कम्युनिटी के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, जिसमें हम जनता को भिन्न भिन्न पीडियाट्रिक सर्जरी की जो बीमारियां होती हैं उससे जागृत करने का जो एक प्रयास होता है, उससे ये हमारे को इसमें काफ़ी सुविधा मिलती है। और साथ के साथ खुद की पढ़ाई, जनता की पढ़ाई और बाकी सारे हमारे स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए, उनको एक अपडेट करने के लिए ये एक अच्छा तरीका होता है जो कि हर साल किया जाता है। तो ये जो CME है, ये काफ़ी सभी के लिए, हमारे मरीजों के लिए और हमारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है। ओके,
ओके सर, जैसे जो जन्मजात बीमारियां होती हैं बच्चों में उसको लेकर के माता पिता अक्सर परेशान हो जाते हैं, तो आज के समय में जो पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट है उसमें क्या कुछ व्यवस्था है, क्या सुविधाएं हैं कि बहुत ही सरलता से इलाज संभव है? तो जो पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग है KGMC में और देश के अन्य भागों में भी, अब वो इतने विकसित हो चुके हैं कि जितनी भी जन्मजात बीमारियां हैं अगर वो सही समय से सही जगह पे किसी सही पीडियाट्रिक सर्जन के पास अगर वो पहुंच जाए और उनका इलाज शुरू हो जाए तो लगभग 100% उनका इलाज होना संभव है, जो कि पहला आज से 20 साल पहले 30 साल पहले ये सब चीज़ें संभव नहीं थी। लेकिन अब पीडियाट्रिक सर्जरी का जो विज्ञान है वो और उसके ऊपर जितना भी अनुसंधान किया गया है वो इतना विकसित हो चुका है कि अब ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो पहले लाइलाज समझी जाती थी जिनका कि अब पूरी तरह से इलाज संभव है। तो ये सारी चीज़ों में पीडियाट्रिक सर्जरी में इतना विकास हो चुका है कि अब हम उस समय से काफ़ी आगे आ चुके हैं और अपने जितने भी हमारे देश के बच्चे हैं जिनको इन सब इस तरीके के इलाज की ज़रूरत होती है वो उनको एक अच्छी ज़िंदगी जो है वो पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट यहाँ का दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप वहाँ से यहाँ पर आए और इसको अटेंड किया प्रोग्राम को, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। KGMU में पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट में आज जो है उसका 26वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और हम सब इस वक्त ब्राउन हॉल में मौजूद हैं। आप पीडियाट्रिक सर्जरी एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो गूंज पर, और सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज के इस कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ आप कहना चाहते हैं, किस तरह का ये आयोजन है, कौन कौन से लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं? सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा लखनऊ वासियों को और KGMU की टीम को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ कि निरंतर इन्होंने इतने सालों से ये स्थापना दिवस मनाते आए हैं और हर प्रतिवर्ष ये कुछ ना कुछ एक नया शिशु शल्य विशेषज्ञ में जो उत्पन्न हो रहा है उसके बारे में चर्चा करते हैं, यहाँ व्याख्यान होते हैं। यहाँ पर जो विशेषज्ञ आए हैं वो देश भर के अलावा कई इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ इधर पर आए हैं और संगोष्ठी का जो मेन फोकस आज का है वो बच्चों में जो जन्मजात विकृतियाँ होती खासकर मल द्वार की या पेशाब के द्वार की, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स यूरोलॉजिकल या एनोरेक्टल प्रॉब्लम्स, तो इस पर बहुत गहन अध्ययन होने वाला है और इन प्रकार की जो आधुनिक जो तकनीक उत्पन्न हुई है अभी पिछले कुछ सालों में, जैसे लैप्रोस्कोपी विधि है या रोबोटिक सर्जरी है जिसने पीडियाट्रिक सर्जरी को एक नया शेप दे दिया है, तो उस पर एक डिस्कशन विस्तृत रूप से किया जाएगा। सर जैसे इस तरह की समस्याओं से के साथ जो बच्चे पैदा होते हैं उनके माता पिता बहुत परेशान होते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आज की आधुनिकता में उसका इलाज कितना सरलता से संभव है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब भी हम बच्चे के ऑपरेशन की बात माता पिता के मन में आती तो वो घबरा जाते, तो सबसे पहले ये बात को समझना होगा कि बच्चों की जो सर्जरी है आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा विकसित हो चुकी है और बहुत सुरक्षित हो चुकी है, और सबसे पहला डर हमको लगता है कि एक नवजात है, छोटा सा बच्चा है, ये ऑपरेशन कैसे सहन करेगा, ये एनेस्थीजिया कैसे सहन करेगा, बट अभी इन सब चीज़ों में बहुत मास्टरी हो गई है डॉक्टर्स की। पीडियाट्रिक एनेस्थीजिया काफ़ी विकसित हो गया है, सेफ़ हो गया है, जो ड्रग डोसेजेस आजकल जो ड्रग मशीन्स आई हैं जैसे एनेस्थीजिया के वर्क स्टेशंस एनेस्थीजिया की ड्रग को कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना हम दे रहे हैं और कितना बच्चे की बॉडी में बचा है, तो जैसे ही बच्चा का लास्ट स्टेप सर्जरी का लास्ट स्टिच होता है तो बच्चा आंखें खोल लेता है। ऑपरेशन के बाद चूंकि इतनी लेस इन्वेजिव विधि आ गई लैप्रोस्कोपी और ये सब लेज़र जिसको कॉमनली हम लोग बोलते हैं, इससे बच्चे की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। तो ज़्यादातर हमारे बच्चे से सुबह सर्जरी करते हैं शाम को वो वॉक कर रहे होते चल रहे होते हैं, हम सोचते हैं बच्चे चंचल हैं कैसे हम उनको पकड़ के रखेंगे, तो कुछ पकड़ के नहीं रखना होता। एक नॉर्मल कोर्स में बच्चे के सुबह ऑपरेशन होते हैं शाम को वो वॉक करने लगते हैं, एक दो तीन दिन में हम लोग स्कूल भेज देते हैं बच्चे को, तो काफ़ी एडवांसमेंट हो गया। इसलिए इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि पीडियाट्रिक सर्जरी मतलब कोई ऐसा बहुत डरने की बात है। अगर आप पीडियाट्रिक सर्जन से यह कार्य अपने बच्चे का कराते हैं तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि वो अत्यंत सुरक्षित है और अत्यंत कारगर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ RML इंस्टीट्यूट के जो पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट है उसके हेड हमारे साथ हैं और जो 26वां एक स्थापना दिवस मनाया जा रहा है किंग जॉर्ज मेडिकल में पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट का, उसमें सर एल्यूमिनाई भी हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में, और सर आज के इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत ही अलग फीलिंग है अपने इंस्टीट्यूट में आने की, यहाँ से मैंने पढ़ा है, यहाँ से MCS की डिग्री की है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रावत सर का और उनकी टीम का जिन्होंने फाउंडेशन डे के बहाने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को
हम लोगों के सामने रखा है और बहुत सारे उसमें डिस्कशंस होंगे और डेलिब्रेशंस हैं, एक अच्छी मीटिंग होने की संभावना है। इस तरह की जो सीएमई होती है या फिर जो एक आयोजन होता है उसको लेकर के अगर हम एक उद्देश्य की बात करें कि भाई एक मकसद क्या होता है किसी भी कार्यक्रम का, तो इस कार्यक्रम का मकसद क्या है सर? देखिए, ये मुझे लगता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट मकसद है इस मीटिंग का, हम अवेयरनेस कितना समाज में है बच्चों को लेके, लोग बहुत सेंसिटिव हैं, लेकिन बच्चा चूंकि अपनी शिकायत खुद नहीं कह सकता तो हम उसकी पीड़ा को समझ नहीं पाते हैं। और सर्जिकल केसेस अगर बच्चों में है ये तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आता क्योंकि बच्चा नहीं जानता कि उसको क्या प्रॉब्लम है। तो इन प्रोग्राम्स के बहाने हम मैसेज देना चाहते हैं और खुद भी सीखना चाहते हैं हमारे कलीग्स क्या कर रहे हैं, हमारे बाकी हमारे इंटरनेशनल लोग भी आए हुए हैं यूके से और जगहों से, वो क्या कर रहे हैं वो भी हमारा सीखना मकसद है। यानी ये दो पर्पज़ इस मीटिंग से सॉल्व हो रहे हैं, एक तो हम खुद अपनी लर्निंग को अपग्रेड कर रहे हैं, दूसरा ये कि हम दूसरों ने क्या मैसेज उससे समझा, हमारे समाज में बच्चों को लेके क्या अवेयरनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा। और इस भव्य कार्यक्रम की सफलता के लिए हम आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं। शुक्रिया सर बात करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नमस्कार, मैं शिवानी बेंजामिन हूँ, यहाँ पे सीनियर मैट्रिन की पोस्ट पे हूँ KGMC में, और मैं यहाँ पे आमंत्रित हूँ। आज 26th फाउंडेशन डे हमारे पीडियाट्रिक सर्जरी में बनाया जा रहा है। हमारा पीडियाट्रिक सर्जरी जिससे मैं पहले से ही जुड़ी हुई हूँ, ये तरक्की की ओर ही जा रहा है, और यहाँ पे इतने सारे बच्चे आते हैं जिसको हम लोग डील करते हैं, और हर तरीके के बच्चे आते हैं अपनी परेशानियाँ लेके, और हंसते हुए यहाँ से डिस्चार्ज होके जब जाते हैं तो हम लोग के चेहरे पे एक बहुत अच्छी सी स्माइल रहती है, क्योंकि बच्चों के चेहरे पे हम एक स्माइल देखते हैं। तो मैं पूरी पीडियाट्रिक सर्जरी की पूरी फैमिली को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देती हूँ आज के अवसर पे। नमस्कार। नमस्कार, मैं पीडिया सर्जरी OT की इंचार्ज बात कर रही हूँ, मिस नेहा गुलाटी। आज मैं यहाँ पे जो भव्य कार्यक्रम हो रहा है, 26वां फाउंडेशन डे पीडियाट्रिक सर्जरी OT का मनाया जा रहा है, और इसमें यहाँ पर देश और विदेश के डॉक्टर्स यहाँ इन्वॉल्व हैं जो अपनी सर्जरी करते हैं उसके बारे में बताते हैं, और ये बहुत अच्छा है यहाँ पर कि वो अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। हमारी दुनिया में कितने मरीज़ ऐसे हैं जिसका रेक्टम नहीं बना होता है, यूरिन प्रॉपर वे में नहीं बनाता है, वो सिर्फ एक भगवान का रूप काम करते हैं ताकि वो उसको प्रॉपर पोजीशन में प्लेस करके मरीज़ ठीक ढंग से अपनी लाइफ को जी सके। मैं डॉक्टर शोभा हूँ, मेरा नाम डॉक्टर शोभा है, मैं झारखंड की रहने वाली हूँ, रांची, काफ़ी दूर से आई हूँ यहाँ। मैं सीनियर रेसिडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर MCS सीनियर रेसिडेंट डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी। यहाँ आने से पहले बहुत ज़्यादा हेजिटेशन हुई थी कि यहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लग रहा है कि ये मेरा बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि यहाँ के जितने भी फैकल्टीज़ हैं दे आर एट देयर बेस्ट। कुछ भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो दे आर ऑलवेज देयर। हैंड्स ऑन भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, कटिंग सर्जरी स्किल्स बहुत अच्छे हैं, सारे फैकल्टी मेंबर्स बहुत अच्छे से सिखाते हैं, नो डाउट। एंड इन एडिशन टू दैट सारे स्टाफ भी उतने ही अच्छे हैं, वो चाहे खाने का हो चाहे केयर करने का हो, दे ऑलवेज देयर। तो हमें कभी लगता ही नहीं है कि आई एम आउट ऑफ माई प्लेस, आई ऑलवेज फील एट होम। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनीता सिंह है, मैं यहीं की स्टूडेंट हूँ, और यहाँ से अपनी ट्रेनिंग करने के बाद MBBS और MCH करने के बाद मैं एम्स को ज्वाइन किया, जो नए एम्स खुल रहे हैं उनमें ज्वाइन किया। पहले मैं एम्स रायपुर में थी और वहाँ अपनी सेवाएं 8 साल देने के बाद मैं अभी एम्स रायबरेली में हूँ, और मैं अभी वहाँ ऐसे HOD की तरह काम कर रही हूँ। मैंने वहाँ पे शुरू से डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया, और अभी वहाँ पे सारा सब कुछ बच्चों का जो जिस तरह की सर्जरियाँ जो संभव हो सकती हैं तरह की वो करने का प्रयास किया है। और मेरी इस जो ग्रोथ है इसमें इस किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का बहुत बड़ा योगदान है, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी का बहुत योगदान है, जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने हमको छोटी सी छोटी चीज़ को कैसे डील करना है से लेके बड़े से बड़ा टास्क कैसे परफेक्शन से कंप्लीट करना है वो उन्होंने हमें सिखाया। यहाँ जब भी आते हैं तो हमको वो पुरानी चीज़ें सब याद आती हैं। MBBS के फर्स्ट डे पे
जो हमारा इंटरेक्शन हुआ था इसी हॉल में हुआ था सीनियर से और कंसल्टेंट से, फिर हमने यहाँ पे कन्वोकेशन किया, फिर डिग्री ली। और जब भी यहाँ पे सीएमई होती है तो मुझे सब कुछ वो याद आता है और बहुत ही गर्व महसूस होता है कि हम इस संस्थान से पढ़े हैं, हमने यहाँ से शिक्षा ली है और हम अब इस पीडियाट्रिक सर्जरी के क्षेत्र में सब जगह आशीर्वाद, मतलब बच्चों का तो इलाज कर ही रहे हैं और बड़े बड़े लोगों ने हमारे ऊपर इस तरह से आशीर्वाद दिया है कि हम दिन दुनी रात चौगनी कोशिश कर रहे हैं। आज का भी जो टॉपिक है वो बच्चों के एनोरेक्टल मेलफॉर्मेशन मींस मल द्वार का सही से ना बनना, सही जगह पे नहीं होना, सही तरह काम ना करना, उस पे रखा गया है। इसमें भी पूरे विश्व से कई महानुभाव लोग आए हुए हैं और अपने अनुभवों को शेयर कर रहे हैं। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं ये शुरू से ही इस तरह की सीएमई प्रोग्राम यहाँ हमेशा ऑर्गेनाइज होते रहे हैं, जिस जो एक रीज़न है कि यहाँ से जो भी पढ़ के निकलता है वो अपने आप में सक्षम होता है और उसका अनुभव इतना होता है कि वो अपने इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। नो डाउट पढ़ने की कोई सीमा नहीं है और आज भी हम सीख रहे हैं और सीखते ही आशा करते हैं कि बेस्ट होकर दे सके अपने सारे एफर्ट। थैंक यू ऑल, थैंक यू KGMU टीम जो आपने मुझे फिर से यहाँ पे आने का मौका दिया। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार हूँ और मैं इसमें बलरामपुर अस्पताल लखनऊ में पीडियाट्रिक सर्जन के रूप में काम कर रहा हूँ और यहाँ पर मुझे आने का मौका मिला है और यहाँ पर आके मुझे लगा कि फिर से कुछ नया सीखने को मतलब सीखने को मिल रहा है और हर बार जब यहाँ आते हैं तो कुछ नया रिफ्रेशमेंट होकर नई एनर्जी के साथ काम करने की एक इंस्पिरेशन आती है अपने अंदर से और यहाँ से काफ़ी कुछ सीख करके हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट में और कॉलेज का नाम और जनता की सेवा कर रहे हैं। राइट नाउ हम लोग लखनऊ में KGMC में खड़े हैं, यहाँ 26वां फाउंडेशन डे है हमारे डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी। यहाँ पर हम लोग एलुमनाई मीट कम CME के लिए आए थे। Every year there is a new topic of CME that is covered with the world class renowned speakers and orators. ऐसा ही CME एक अंदर अभी एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन पे हो रहा है। लास्ट ईयर हमारे सेमिनार का थीम था मिनिमल एक्सेस सर्जरी और इस साल ये एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन है। सभी के ये जो दोनों टॉपिक्स हैं ये दोनों बहुत प्रोमिनेंट टॉपिक्स हैं, इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है पीडियाट्रिक सर्जरी में और हमें यहाँ ड्यूरिंग आवर रेजिडेंसी वी आर ट्रेंड क्वाइट एनफ इन ऑल दीज प्रोसीजर्स ऑफ एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन एंड द ट्रेनिंग इज स्टिल गोइंग ऑन विद द ग्रेट माइंड सिटिंग इनसाइड द ब्राउन हॉल। दिस इज डॉक्टर गौरव फ्रॉम एम्स पटना, असिस्टेंट प्रोफेसर एलुमनाई ऑफ 2017 to 20। थैंक यू। क्या नाम है आपका मैम? मेरा नाम डॉक्टर प्रीति कुमारी है, मैं सीनियर रेसिडेंट हूँ पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट में। मैम आज का ये जो कार्यक्रम हुआ इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? 26वां स्थापना दिवस है और आपका भी सफर अब इस तरफ आगे बढ़ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगी? जैसे जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम है आप सभी का, जो भी डॉक्टर हैं जो पीडियाट्रिक सर्जरी में खास करके हैं, तो कहीं ना कहीं उनका अनुभव इस क्षेत्र में अब इस कार्यक्रम के जरिए और बढ़ेगा कि किस तरह से बच्चों को स्वस्थ किया जा सकता है। तो कार्यक्रम को लेकर के क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह का कार्यक्रम ये आपको लगा? इस कार्यक्रम से जो हम यहाँ करते हैं उसके अलावा देश के दूसरे क्षेत्रों में और विदेशों में जो अभी हम प्रोग्रेस हो रखा है हमें उससे बिल्कुल जानकारी प्राप्त हुई है। मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर मनीष राजपूत है। अब मैम आज के इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज हमारा कार्यक्रम मेनली जो छोटे बच्चों की ऐसी बीमारियां जो जन्मजात होती हैं जिसमें लैटिन का रास्ता नहीं बना होता है उस बीमारी को लेकर है। ऐसे कार्यक्रम से हम दुनिया भर के लोगों जो कि बहुत ही दिग्गज लोग हैं उनके व्यूज़ और अपने यहाँ के जो नई नई हम लोग टेक्निक्स बनाते हैं या बच्चों के लिए जो अच्छा है उस चीज़ को हम यहाँ एक जगह कलेक्ट कर रहे हैं,
तो उससे हो सकता है, उससे आगने वाले जितने भी बच्चे हैं जिसके जो ये नहीं जानते हैं कि ऐसी बीमारी का भी इलाज हो सकता है, उन तक ये पहुँचेगी कि आपकी समस्या जन्मजात है लेकिन आपकी ये समस्या खत्म हो सकती है, ऐसा नहीं है कि आपकी समस्या हमेशा आपके साथ रहेगी। तो इसी तरह के कार्यक्रम से हमको यही ज़्यादा अच्छा लगता है कि हम लोग सीखते भी हैं और दूसरों को बताते भी हैं। क्या प्रोग्रेस हो रहा है इस क्षेत्र में, उसके बारे में जानकारी मिलती रहती है। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर कीर्ति पटेल है, मैं सीनियर रेजिडेंट हूँ यहाँ का। यहाँ पर 26 फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और जितने भी यहाँ से एक्सपीरियंस डॉक्टर पढ़कर निकले हैं, विदेशों में गए हैं, वहाँ बच्चों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इंडिया में भी बहुत सारा पूरा वर्ल्ड में ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि ऐसे बीमारी जो जन्म से ही उनके कुछ खाने की नली नहीं होती है, लैटिन करने की नली नहीं होती है, सब ट्रीटमेंट पॉसिबल है। और यहाँ पर डिस्कशन होते हैं इस डे में कि मतलब हमारे यहाँ ये से टेक्निक है, न्यू टेक्निक इवॉल्व हुई हैं कि जो मतलब गरीब से गरीब लोग भी उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है इस प्रोग्राम के थ्रू। बिल्कुल। सर आपका क्या नाम है? डॉक्टर विवेक कुमार, नॉन एकेडमिक जूनियर रेजिडेंट की पद पे पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग में कार्यरत हूँ। अभी तक हम लोगों ने जो भी काम सीखा है पीडियाट्रिक सर्जरी से रिलेटेड, वो सारे रावत सर के गाइडेंस में, कुरील सर के गाइडेंस में, गुरमीत सर के गाइडेंस में हम लोगों ने सारी चीज़ें सीखी हैं। और जो भी है बहुत ही बेटर चल रहा है हम लोगों का उस विभाग में। डेली बेसिस पे बहुत सारे पेशेंट हमेशा इमरजेंसी में, हमेशा ही हमारा विभाग जो है मरीजों से, बेड ऑलवेज ही फुल रहता है, कभी बेड वैकेंट ही नहीं रहता, इतने सारे मरीज। पूरे उत्तर प्रदेश के बाकी जगह भी पीडियाट्रिक सर्जन अवेलेबल हैं लेकिन वहाँ से भी रेफर मरीज हमारे पास ही आते हैं। बिल्कुल। और उम्मीद है कि जो भी मेडिकल कॉलेज में आते हैं वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर के जाते हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर अपूर्व पांडे है, मैं यहाँ पे जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर हूँ, पिछले 3 वर्षों से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे आज का जो टॉपिक था हमारा, बच्चों का मल द्वार नहीं था, ये बीमारी जो है इसका ऑपरेशन हमारे यहाँ होता है और ये जन्मजात बीमारी है, इसमें कई सारी कठिनाइयाँ भी होती हैं जैसे बच्चों के दिल में छेद होना और भी सारी चीज़ें होती, उस चीज़ का हमारे यहाँ इलाज होता है, उसका ऑपरेशन होता है, कम से कम जो पैसे हैं उसमें होता है। यही चीज़ यदि आप प्राइवेट में कराते हैं या कहीं और कराते हैं तो काफ़ी महंगा पड़ता है। और हमारा विभाग 24/7 हमेशा इसके लिए तत्पर रहता है। हम लोग 10 रेजिडेंट हैं, हमेशा मुस्तैद रहते हैं, जो भी बेहतर सेवाएं होती है हम लोग कुरील सर के माध्यम से, रावत सर के गाइडेंस में अच्छे से अच्छा प्रदान करते हैं। बिल्कुल। और इस तरह के भव्य कार्यक्रम से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरा नाम डॉक्टर सिराज अहमद है, मैं जूनियर रेजिडेंट हूँ यहाँ पे, मैं लगभग 4 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। हम लोग शुरू से ही जो भी आरम्भ जो थे, आज फंक्शन था, जितना भी केसेस आते हैं पहले एडमिट करके कैसे क्या करना है, क्योंकि बेडें तो रहती नहीं हैं, फुल हो जाती हैं, आल यूपी समझ लीजिए और हर जगह से आते रहते हैं, तो हम लोग वो सब कुछ करते हैं। आज के इस कार्यक्रम से क्या कुछ नया सीखने को मिला, कुछ आप बता सकते हैं? नहीं, ये सब कुछ के लिए कि आगे हम लोग को और क्या करना है, फिर हम लोगों को जो प्रशिक्षित किया गया आगे करके बढ़ के और क्या आगे रहना करना रहेगा, ये सारी चीज़ें।